बीकन गांव में नौ केंद्र बनाकर किसानों को कपास के बीजों का किया वितरण। प्रशासन की अच्छी व्यवस्था के साथ बिना लाइन लगे किसानों ने राशि 659 कपास के बीज के पैकेट खरीदे। खरगोन जिले में जहां कपास के बीजों को लेकर जिले में किसानों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, तो वहीं बीकन गांव नगर में प्रशासन द्वारा किसानों को बिना लाइन में लगे टेंट के नीचे कुर्सियों पर बैठकर कपास के बीजों का वितरण किया जा रहा है। वहीं प्रशासन द्वारा नगर में नौ केंद्र बनाकर किसानों को अधिक मांग वाला राशि 659 कपास बीज का वितरण किया जा रहा है। सोमवार को SDM BS कलेश, तहसीलदार रविंद्र सिंह चौहान व SGO रामलाल मोरे ने सभी नौ केंद्रों का निरीक्षण किया। एक दिन में 1050 किसानों को दिया कपास का बीज। SGM BS कलेश ने बताया कि हर केंद्र पर प्रति एक किसान को दो पैकेट बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नगर में नौ केंद्र बनाकर कृषि अधिकारी पटवारियों की केंद्रों पर ड्यूटी भी लगाई गई है। वहीं भीषण गर्मी में बढ़ते तापमान को देखते हुए हर केंद्र पर टेंट व पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है। सोमवार को लगभग 1050 किसानों को करीब 2100 पैकेट वितरण किए गए तथा शेष 140 पैकेट कल वितरण किया जाएगा। कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हमने जो बीज व्यापारी है उनकी भी बैठक ली, कृषि विभाग की भी बैठक ली, और बीज व्यापारी ने 2240 पैकेट की जो मांग की थी जिन्हें कल मिल गई है, और उसका हमने नौ व्यापारी है, बीकन गांव के नौ व्यापारी है, उनके यहाँ अलग अलग वितरण करवा के और फिर किसानों को प्रति किसान दो पैकेट बीज देने की व्यवस्था करवाई गई। तो हमारे नगर बीकन गांव में आसानी से वितरण हो रहा है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगामी दिनों में भी वितरण को लेकर अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से ली जाएगी और कितना स्टॉक रहने की, विशेषकर जो किसानों की डिमांड है और राशि 659 नाम के बीज को लेकर है और उसी की ज़्यादा मांग हो रही है। तो जैसे जैसे व्यापारियों के पास कंपनी से माल आता जा रहा है उस अनुसार हम लोग वितरण की व्यवस्था करवा रहे हैं। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।